दोस्तों, क्या आप लोग बजाज फिनसर्व EMI कार्ड में लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं? जैसे आप लोग अप्लाई किए थे, आपको देखिए अप्रूवल मिल गया है, यहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000, मतलब कोई भी आपको लिमिट मिली है, जो आपको लिमिट मिली है उससे भी ज़्यादा आप लोग लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो तरीका मैं बताऊँगा उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग भी बजाज फिनसर्व EMI कार्ड में लिमिट को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे मैं यहाँ पे देखे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे ये ओपन हो गए। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप लोग लॉक लगा के रखे होंगे, यहाँ पे आपको वहाँ फिंगरप्रिंट या पिन जो भी है आपको इंटर करना है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये 3 लाइन शो करा, ऑल लोन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लाइफ स्टाइल काफ़ी सारा शो करें। दोस्तों से जो भी आपको लिमिट मिली है, आप लोग लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ EMI यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों जो भी मेरा कार्ड है यहाँ पे शो करा। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड शो करें और कितनी लिमिट है आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों से आप लोग की जो लिमिट मिली है, आप लोग अपने बजाज फिनसर्व EMI कार्ड में लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर जैसे हमें यहाँ पे लिमिट को बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ये कार्ड है यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक कराऊँ तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और ये कार्ड नंबर शो कर रहा है और यहाँ एक्सपायरी डेट CVV ये सभी शो कर रहा और यहाँ कार्ड नंबर शो कर रहा। दोस्तों से यहाँ पे हमें लिमिट बढ़ाना है। दोस्तों जैसे मेरे में टोटल लोन लिमिट यहाँ 50,000 की है और अवेलेबल 39,510 है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको लिमिट मिलती है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी मिलती है, आप लोग लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना होता है। जैसे मैं यहाँ से बैक कर जाता हूँ, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, जैसे आप देखें बजाज फिनसर्व EMI कार्ड एक्टिव है, आप लोग यहाँ पे आप लोग इनकी साइट से इनके एप्लीकेशन के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोग Amazon फ्लिपकार्ट पे भी इस कार्ड के थ्रू EMI पर कुछ भी बाइक कर सकते हैं। दोस्तों से आपको लिमिट बढ़ाना है तो सबसे पहले मैं फिर दोबारा आपको EMI पे क्लिक कराऊं, जैसे यहाँ पे क्लिक कराऊं, ये कार्ड पे क्लिक कराऊं। दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको कोई भी यहाँ पे लोन चल रहा है, आप लोग कुछ बाइक किए हैं, तो वहाँ पे आपको टाइमली पेमेंट करते रहना है। बस आपको टाइमली पेमेंट करना है, जैसे आप टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिमिट का मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखे ये फॉरगेट पिन का है, दोस्तों यहीं पे आपको लिमिट का ग्रीन कलर का शो करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 170 रुपये यहाँ पे चार्जेस दिखाता है। जैसे मुझे दिखाया गया 170 रुपये कुछ पैसे था, आप में कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करके पेमेंट किया हूँ तो दोस्तों मुझे 5,000 की लिमिट ज़्यादा हो गई है। जैसे मेरे पास पहले 40,000 की थी, फिर 45,000 की हो गई। दोस्तों फिर जैसे मेरे लोन जो चल रहे हैं मैं टाइमली पेमेंट करता रहा, दोस्तों फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आया, फिर वही सेम ऑप्शन, तो दोस्तों मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं जो यहाँ पे पेमेंट लगता है मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही वो इंक्रीज हो गए, जो 45 था 50,000 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको जो भी लोन चल रहा है आपको टाइमली पेमेंट करते रहना है, आपकी यहाँ पे देखें लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों से आप लोग बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को यूज करना है, तो दोस्तों जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख लेना कि आप लोग बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को तुरंत कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।